हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 5, वेर एक्स बिलोंग्स टू माइनस 6 टू 6। इफ द रेंज ऑफ द फंक्शन इज ए टू बी, ए बी इज नेचुरल नंबर, देयर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ओके, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 5। इन दोनों को मैंने एक साथ लिया, ठीक है, और इन दोनों को एक साथ लिया, तो ये और ये प्रोडक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ओके, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x और एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, तो इसको मैंने ले लिया एक मिनट के लिए t। ठीक है, तो मैं एफ ऑफ एक्स की रेंज निकालूँ या एफ ऑफ टी की रेंज निकालूँ, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो गया t प्लस 4 इंटू टी प्लस 6 प्लस 5। ठीक है, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 10t 24 प्लस 5, दैट इज 29। ठीक है, अब यहाँ पर जो टी था उसकी हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि टी जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, तो इसका ग्राफ सिंपल ये आ गया, ये हो गया माइनस 5 और ये हो गया 0। ठीक है, अब हमें जो रेंज चाहिए वो चाहिए माइनस, एक्स क्या है माइनस 6 से 6, तो माइनस 6 से 6, तो मिनिमम वैल्यू तो आपको कहाँ मिलेगी, माइनस 5/2 पे। ठीक है, तो इसको और लिख सकते हैं हम एक्स इंटू एक्स प्लस 5। तो हम इसी क्वेश्चन में अभी टी की रेंज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखिए, तो ये होगा माइनस 5/2, माइनस 5/2 पे वैल्यू कितनी होगी इसकी, एक्स इज इक्वल टू माइनस 5/2 पे टी जो आएगा वो आएगा माइनस 5/2 इंटू 5 प्लस माइनस 5/2, तो ये हो गया 5/2, तो ये हो गया माइनस 25/4। ठीक है, ये हो गया माइनस 25/4। ओके, और मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, सॉरी मिनिमम तो आ गई, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, माइनस 6 पे या फिर 6 पे। माइनस 6 पे वैल्यू देखे तो हम कितनी आ रही है, 6, और 6 पे आ रही है 6 और 11 इंटू 6, 66 आ रही है। तो टी की रेंज आ गई आपके पास माइनस 25/4, क्लोज से लेके कहाँ तक, 6 रखा, तो हमने यहाँ पे एक्स जगह 6 रखा, तो ये हो गया 11 इंटू 6, 66। ओके, ओके, तो टी आ गया। तो इस इंटरवल में हमें अब इसकी रेंज निकालना है। ठीक है, तो ये जो है ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका डी लेस देन 0 है, तो इसका जो ग्राफ आया कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अगेन ये पॉइंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर, ओके, ये हो जाएगा माइनस 5। ओके, तो ये है माइनस 25/4, माइनस 25/4 जो होगा वो होगा माइनस 6 पॉइंट समथिंग, तो माइनस 25/4 इधर गई आएगा और 66 इधर गई है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू फिर इसकी कहाँ मिली, एफ ऑफ टी की जो है मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, माइनस 5 पर। तो माइनस 5 पर वैल्यू कितनी हो गई इसकी, 25 माइनस 50 प्लस 29, तो ये निकल के आ गया 4। ठीक है, ये निकल के आ गया 4। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी, 66 पर। ठीक है, अच्छा, अब माइनस 25/4 पे भी आ सकता है, बट ऑब्वियसली 66 का स्क्वायर होगा तो मैक्सिमम वैल्यू यहीं आएगी। आप माइनस 25/4 निकाल के देख भी सकते हो, बट मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी, 66 पे ही आएगी। तो ये हो जाएगा 66 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 66 प्लस 29। ठीक है,
अब इसको सॉल्व थोड़ा हम ऐसे कर सकते हैं कि ये हो गया 66, कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 66 + 10, तो वो हो गया 76 + 29। अब 66 × 76 तो ये वैल्यू आ गई 5016 + 29, तो ये हो जाएगा 5045। ठीक है, तो इसकी जो रेंज आ रही है, फाइनली रेंज आ रही है, मिनिमम कितना निकाला था 4, और मैक्सिमम कितना आ रहा है 5045। तो आपसे जो पूछा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए प्लस बी क्या हो गया 4 + ये, तो हो गया 5049, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा।